नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में आज पढ़ेंगे फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग, सूची के भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक क्लास में दोस्तों रहेगा फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग। देखो, आज जो पढ़ रहे हैं, जो ये आपके जो राजस्थान पुस्तकालय भर्ती थर्ड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, उसका जो सेकेंड यूनिट है, उस सेकेंड यूनिट में आपके अलग से एक पार्ट दे रखा है, फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग दे रखा है। ठीक है, सूची के भौतिक स्वरूप क्या बोलेंगे इसको अपन, सूची के भौतिक स्वरूप। अब इसके सूची के भौतिक स्वरूप के बारे में दोस्तों बात करें, इसको दो भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है इसको? दो भागों में बांट रखा है। पहला भाग है आंतरिक स्वरूप। क्या है? आंतरिक स्वरूप है। दूसरा है बाहरी स्वरूप। क्या है? बाहरी स्वरूप। इस बाहरी स्वरूप को दोस्तों दो भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है? दो भागों में बांट रखा है। परंपरागत स्वरूप, परंपरागत स्वरूप सूची और अपरंपरागत स्वरूप सूची। अब देखो, आज का क्लास में दोस्तों टॉपिक रहेगा अपना सूची पत्रक। क्या रहेगा? या तो बोल सकते हैं दोस्तों इसको अपन पत्रक सूची, या बोल सकते हैं सूची पत्रक। जो टॉपिक रहेगा आज का, टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? सूची पत्रक बोल सकते हैं इसको। इंग्लिश में दोस्तों बोले इसको क्या बोलोगे आप? कार्ड कैटलॉग बोलोगे। क्या बोलोगे? कार्ड कैटलॉग। जो आज की क्लास में टॉपिक रहेगा पत्रक सूची। क्या रहेगा? पत्रक सूची। आज के जो ये सिलेबस में है, क्या आपके पत्रक सूची है? फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग के अंदर कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। पहला है आंतरिक स्वरूप सूची, दूसरा है बाहरी स्वरूप सूची। दूसरे बाहरी स्वरूप सूची को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? परंपरागत स्वरूप सूची है। दूसरा है अपरंपरागत स्वरूप सूची है। इसमें से आज की क्लास में से अपन ने टॉपिक लिया है कार्ड कैटलॉग या पत्रक सूची। इस कार्ड कैटलॉग के बारे में दोस्तों अपन बात करें, बेसिक सी जानकारी बात करेंगे, इसकी जड़ें कहां से प्रारंभ होती है, जड़ें प्रारंभ कहां से होती है, उसके बाद में बात करेंगे इसकी परफॉर्मा की, कि इसका परफॉर्मा क्या है, किस तरह से फर्स्ट वर्टिकल क्या होता है, सेकंड वर्टिकल क्या होता है, आंतरिक स्वरूप सूची क्या होती है, आदि के बारे में आज की क्लास में अपन बात करेंगे। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कार्ड कैटलॉग। जो आज का अपन क्लास में दोस्तों लिया है टॉपिक, क्या लिया है? कार्ड कैटलॉग। देखो, कार्ड कैटलॉग क्या बोलते हैं हिंदी में? पत्रक सूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्रक सूची। पत्रक सूची किस काम में आता है? प्रविष्टियां बनाने के लिए काम में लिया जाता है। किस काम में लेता है? प्रविष्टियां बनाने के लिए काम में लिया जाता है। किस तरह से होता है? जैसे ताश के पत्रक होते हैं उसी तरह होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, अब देखो सर्वप्रथम बात करते हैं कि पत्रक सूची को सबसे पहले प्रयोग कब किया गया है, करने वाले व्यक्ति कौन है, कहाँ पे गया है, सभी की बात करते हैं, इसकी जड़ें कहाँ से प्रारंभ होती है। सबसे पहले दोस्तों देखो इसका प्रयोग कहाँ पे गया है, सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों ये सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है पेरिस में। कहाँ पे किया गया है? पेरिस में। कौन सी संस्था में इसका प्रयोग किया है? क्या है? कौन सी संस्था में इसका प्रयोग किया है? तो वह पेरिस विज्ञान अकादमी है। क्या है? पेरिस विज्ञान अकादमी में इसके जो पत्रक सूची है इसका क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। और क्या नाम है इसका? कार्ड कैटलॉग का प्रयोग किया गया है। संस्था का क्या नाम है? पेरिस विज्ञान अकादमी है। अब इसके बाद में बात करते हैं वह व्यक्ति कौन है जो कि इसका यूज किया है या इसको सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन है? वह रोजियर है। कब किया है? 1775 में। कब किया है? 1775 में। सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला पत्रक सूची को व्यक्ति कौन है? तो सर्वप्रथम इस पत्रक सूची को प्रयोग किसने किया है? वह व्यक्ति है रोजियर। कौन सी साल में किया है या कौन सा वर्ष था? तो वह वर्ष है 1775 में। कार्ड कैटलॉग को प्रयोग किया है रोजियर ने। और उस संस्था का नाम क्या है दोस्तों? उस संस्था का नाम है पेरिस विज्ञान अकादमी। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कब प्राप्त हुई, कि ये भौतिक स्वरूप सूची में जो है परंपरागत स्वरूप सूची में कार्ड कैटलॉग लिया है,
इस पत्रक सूची को सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय ख्याति कब मिली है, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब प्रयोग में किया जाने लगा कि वर्तमान में सबसे ज्यादा यह प्रचलित हुआ। तो देखो सबसे ज्यादा प्रचलित कब हुआ है, यह हुआ है ट्रिनिटी कॉलेज के द्वारा। इसको कब किसने प्रयोग किया है, कौन सी संस्था ने, ट्रिनिटी कॉलेज ने जब इसको प्रयोग किया तब इसको क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होती है, जो कि डबलिन में है। कहां पे ये, कहां पे ट्रिनिटी कॉलेज, डबलिन में, ठीक है। इस संस्था ने, ट्रिनिटी कॉलेज ने क्या क्या है प्रयोग किया है, कार्ड कैटलॉग को या पत्र सूची को प्रयोग किया है। इसको प्रयोग करने के बाद में कार्ड कैटलॉग को क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह क्या होता है, प्रचलित होता है, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको क्या मिलती है, ख्याति प्राप्त होती है, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कहता है, प्रयोग में किया जाने लगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इससे जो कार्ड कैटलॉग है इसके बारे में बेसिक से जानकारी बात कर ली कि इसके जड़े कहां से प्रारंभ होती है, जड़े कहां से प्रारंभ होती है, उसके बाद में बात कर ली व्यक्ति कौन है, व्यक्ति के बाद में संस्था की बात कर ली कब किया गया है, और इसको कहां कौन सी संस्था है, किसको सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय ख्याति कब प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कार्ड कैटलॉग के परफॉर्मा के बारे में, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं किसके बारे में, कार्ड परफॉर्मा के बारे में बात करें, पत्रक सूची के बारे में बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब देखो बात करते हैं किसके, इसके परफॉर्मा के बारे में बात करते हैं, जो पत्रक सूची का है, कार्ड कैटलॉग का है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान पुस्तकालय भर्ती थर्ड ग्रेड आ रखी है उसमें इस परफॉर्मा के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी साइज के बारे में पूछा सकता है, आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आपका एक भी क्वेश्चन वहां पे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, कार्ड कैटलॉग का परफॉर्मा हो गया, क्या हो गया, पत्रक सूची का परफॉर्मा हो गया है ये। अब देखो इस पत्रक सूची के परफॉर्मे के बारे में बात करें कि इसकी साइज क्या होती है, तो साइज होती है कितनी होती है, 12.5 x cm x 7.5 cm, कितनी हो गई, देखो 12.5 x 7.5 cm इसकी क्या हो रही है, 7.5 cm कितनी हो रही है, इसकी साइज हो रही है। अब दोस्तों इसकी इंच की बात करते हैं तो इसकी इंच कितनी है, 5 x 3 in इसकी क्या है, साइज है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि कार्ड कैटलॉग के कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं इसका है? पहला है दायां भाग, क्या है, दायां भाग है। दूसरा इसको बोलेंगे बायां भाग, क्या बोलेंगे, इसको बायां भाग बोलेंगे। अब दूसरा भाग कौन सा है, यह है दायां भाग है, क्या है, दायां भाग है, कौन सा भाग है, ये दायां भाग है। देखो ये दो भाग हो गए कार्ड कैटलॉग के, कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए, कौन सा हो गया, बायां भाग हो गया, और ये कौन सा हो गया, दायां भाग हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे इस कार्ड कैटलॉग में क्या होती है, तीन काल्पनिक लाइन होती है, क्या होती है, इसमें तीन काल्पनिक लाइन होती है जो कि दिखाई नहीं देती है, इस कार्ड में क्या होती है, तीन काल्पनिक लाइन होती है। देखो इन काल्पनिक लाइन, इनको क्या बोला जाता है, इनको तीन काल्पनिक लाइन बोली जाती है, ठीक है, जो कि दिखाई नहीं देती है, इस कार्ड में क्या रहती है, तीन काल्पनिक लाइन होती है। जो ये आड़ी रेखा है, क्या है, जो ये आड़ी रेखा है, इस आड़ी रेखा को दोस्तों क्या बोला जाता है, अग्र भाग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अग्र भाग, ठीक है, इस आड़ी रेखा को क्या बोला जाता है, अग्र भाग बोला जाता है। अब यहां पे आते हैं, इस जो ये भाग है, इस भाग में दोस्तों कितनी होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं हाशिया, क्या बोलते हैं इसको, हाशिया बोलते हैं। इस हाशिया में 8 अक्षरों की जगह रहती है, कितने अक्षरों की रहती है, 8 अक्षरों की जगह रहती है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें कितने अक्षरों की जगह रहती है, 8 अक्षरों की जगह रहती है। यहां से जो फर्स्ट वर्टिकल स्टार्ट होता है, कहां से प्रारंभ हो रहा है, यहां से, इसमें दोस्तों कितने अक्षरों की जगह रहती है, 4 अक्षरों की जगह रहती है, ठीक है, कितने अक्षरों की जगह रहती है, यहाँ पे 4 अक्षरों की जगह रहती है। अब इसके बाद में बात करते हैं, जो ये लंबवत रेखा है, जो लंबी रेखा है ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट वर्टिकल, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है,
इसको बोलते हैं फर्स्ट वर्टिकल। जो दूसरी रेखा है इसको बोलते हैं सेकंड वर्टिकल। क्या बोलते हैं? सेकंड वर्टिकल। या बोल सकते हैं कार्ड कैटलॉग में कितने वर्टिकल होते हैं? तीन वर्टिकल होते हैं। और जो तीसरा वर्टिकल है जो कि दो अक्षरों को छोड़ के होता है, जो कि क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? ये काल्पनिक होता है, जो कि दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे दो अक्षरों की जगह छोड़ के जो कि थर्ड वर्टिकल होता है, कौन सा होता है? ये थर्ड वर्टिकल होता है। तो देखो कार्ड कैटलॉग में बात कर लिए अपन, कार्ड कैटलॉग के बारे में बात करें, इसमें कितने वर्टिकल हो गए? तीन वर्टिकल हो गए। यहाँ पे जो है ये साहस्य में कितने अक्षरों की जगह छोड़ी रहती है? आठ अक्षरों की रहती है। जो फर्स्ट वर्टिकल से हो रहा है और सेकंड वर्टिकल, दोनों के बीच में कितने अक्षरों की जगह रहनी चाहिए? चार अक्षरों की जगह रहनी चाहिए। जो थर्ड वर्टिकल स्टार्ट होता है इसमें कितने अक्षरों की जगह छोड़ के होता है थर्ड वर्टिकल? वह होता है दो अक्षरों की जगह छोड़ के थर्ड वर्टिकल स्टार्ट होता है। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं। यहां पे दोस्तों ये क्या होता है? छिद्र होता है जो कि आधा सेंटीमीटर जगह छोड़ के होता है। कितना सेंटीमीटर जगह छोड़ के होता है? ये यहां नीचे से आधा सेंटीमीटर जगह छोड़ के ये छिद्र होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, जो दायां भाग होता है, इस दायां भाग में जो निम्न भाग होगा इसकी साइज कितनी होनी चाहिए? इसकी साइज होनी चाहिए 0.25 सेंटीमीटर। ये क्या होना चाहिए? मोटा होना चाहिए, ना कि पतला होना चाहिए। ध्यान रखना, ये नीचे से क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं? नीचे से दाएं भाग में नीचे से इसकी साइज होनी चाहिए 0.25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं दोस्तों, जो ये अग्र भाग हो गया, क्या हो गया? जो ये अग्र भाग में रेखा आ रही है ये आ गई, जो दो लंबवत रेखा आ रही है फर्स्ट वर्टिकल और सेकंड वर्टिकल, ये कौन से कलर में होनी चाहिए तीनों? तो ये होनी चाहिए रेड कलर, मतलब लाल कलर में होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये कौन से कलर में होनी चाहिए? रेड कलर। रेड कलर का मतलब लाल कलर में, या लाल स्याही के में, ये लाल कलर में होनी चाहिए फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल, और जो ये आड़ी रेखा है इसको क्या बोलते हैं? अग्र भाग बोलते हैं। ये तीनों किस में होनी चाहिए? लाल कलर में होनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लिए अपने पत्रक सूची की, कार्ड कैटलॉग के बारे में बात कर लिए, इसकी जड़ें कहाँ से प्रारंभ हुई, जड़े प्रारंभ होने के बाद में इसके बारे में बेसिक सी जानकारी प्राप्त की है कि कौन सी संस्था के द्वारा इसको सबसे पहले प्रयोग किया गया, व्यक्ति का नाम है, कब प्रयोग किया गया। उसके बाद में बात किए दोस्तों अपन ने किसके बारे में बात किए, इस परफॉर्मा के बारे में बात किए, जो कि इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुस्तकालय भर्ती थर्ड ग्रेड के लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, यह क्या हो गया? कार्ड कैटलॉग हो गया। अगली क्लास में बात करेंगे अपन भौतिक स्वरूप सूची के बारे में, एक और अपन लेके आएंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।